बंदरबन और जो है ना काम तरीके से किया था, क्या जाके स्टार से हटे क्या और आज मुझे बता क्या मैं आपको ये को इधर आ फटाफट जाते सारी वापसी जो है ना आज मुझे सफाई करानी है जो लड़कों को मैंने बताया था उनको समारोह है जब तक समारोह होगा। जैसे आया ना उससे कहना कि मुझे ऑफिस में वालेकुम सलाम। हाँ भाई इरफान, क्या वजह आज लेट क्यों हो गए तुम? मुर्शा जी वो रात में मेहमान आए हुए थे, बस देर से सोया तो आंख नहीं खुली। बस बेटा ख्याल किया करो, टाइम से आया करो। नीचे एक वाइट कलर की गाड़ी देखी होगी तुमने अभी, तो वो इनकम टैक्स वालों की है। तुम्हें पता है ना इनकम टैक्स का महकमा कैसा सख्त है यार, इनका काम बहुत अच्छे तरीके से करना, कोई शिकायत का मौका ना मिले मुझे। और इनकम टैक्स वाले तो सही वो डरे ना जो माल बनाते हैं या छुपाते हैं। आपको पता मैं तो तसल्ली बख्श गाड़ियों काम करता हूँ ताकि ग्राहक दोबारा भी मेरी पहचान लें। और ये मैंने सारे बिल देख लिए हैं, तो ये भी मैं भिजवा रहा हूँ, ये सारे फाइलिंग करके ये भी उनको पिछवाने। ठीक है, के लिए ठीक हो गया सर जी। नहीं सो तुम बहुत तरक्की करोगे अगर इसी तरह काम करोगे। ठीक है तुम जाओ। हाँ ओके चलो ठीक। आज तो मज़ा ही आ गया, मैंने अपनी लाइफ में इतना इंजॉय आज तक नहीं किया जितना आज किया है। मैं कुछ समझा नहीं है आपकी बात, बाहर के ममालिक में तो इससे भी ज़्यादा अच्छे मकामात हैं इंजॉय करने के, पर आपने यहाँ की जगह को पसंद किया? नो डाउट कि मैं यूके में पली बड़ी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने मुल्क को भूल जाऊँ। जितना मैं तरसी हूँ अपने घर को देखने के लिए, अपने मुल्क को देखने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। और जब मुझे बाबा ने आकर बताया कि इस रमज़ान में पाकिस्तान जा रही हूँ, तो खुशी से मेरे आंसू निकल आए। और जो ख्वाब मैं बचपन से देख रही थी वो अब हकीकत में बदलने जा रहा था। इवन के मेरी जो फ्लाइट थी वो 8 बजे की थी, लेकिन मैं 6 बजे ही एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इतनी ज्यादा खुशी थी मुझे पाकिस्तान आने की और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हैरान हो गया आपकी बात सुनकर। यहाँ के लोग कहते हैं कि एक लम्हा ना गुजरे हम बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाए, और आप हैं कि पाकिस्तान आ गए। अपना घर अपना ही होता है इरफान, हम चाहे जितना अरसा मर्जी वहाँ गुजार लें, लेकिन हम रहेंगे तो परदेसी ही ना। मैंने वहाँ पैसा कमाने के लिए जाने वालों को खुद अपनी आंखों से जलील होते हुए देखा है। कितने जालिम होते हैं ना ये लोग जो अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। शायद वहाँ लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा इरफान, जिसके लिए बच्चे अपने बाप के प्यार से महरूम हो जाए और औरतें अपनी सारी जवानी अपने शोहरों की राह तकते हुए गुजार दें। तुम्हें पता है इरफान कि अल्लाह ताला ने इतने सारे जानदार दिखाए हैं, उनमें सिर्फ इंसान ही है जो पैसा कमाता है, और जितना कमाता है उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। आपने कभी किसी परिंदे को नहीं देखा होगा कि उसने अपने घोंसले में अगले दिन के लिए राशन इकट्ठा किया हो, क्योंकि उसे यकीन है कि जिस रब ने उसे पैदा किया है वो उसे रिस्क भी अता करेगा। सुबह होते ही वो अपने रिस्क की तलाश के लिए निकल पड़ता है और पेट भरते ही वो वापस आ जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप जो ये काम कर रहे हैं आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्यों नहीं,
इंसान अगर मेहनत करे तो खुदा उसे कभी मायूस नहीं करता, और मैं अपनी कम आमदनी पर भी बहुत खुश हूँ, और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। सीधे मुझे ना एक तुमसे जरूरी काम है, तुम वादा करो कि इनकार नहीं करोगे, मेरा काम जरूर पूरा करोगे। अगर कोई उम्मीद किसी गरीब को मिन्नतें करने लग जाए तो समझ ले दाल में कुछ काला है, क्योंकि अमीर तो गरीब को अपने पास ही नहीं गुजरने देता। ओ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब अमीर सभी अल्लाह की पैदावार है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये बात भी अमीर को तब याद आती है जब किसी गरीब से काम हो। खैर छोड़ें, आप काम बताएं। असल में काम पता क्या है, वो ये है जो जो बातें मैंने तुमसे की है ना, बस तुम सीधा सीधा जाकर ना मिस फातिमा को कह दो, अगर मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ तो तुम्हारे लिए वहां से इम्पोर्टेड मेकअप का सामान भेजूंगा, और तुम्हें पता है इम्पोर्टेड चीज तो इम्पोर्टेड ही होती है। जाओ जाओ जाओ, शर्म मत करो, लो इतने सारे पैसों में तो बंदा दो चार बातें कह ही देता है। आप यहीं बैठे, मैं अभी आ रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं अंदर आ सकता हूं। आप पहले ही आ चुके हैं जी, फरमाए। वो अगर आप कहें तो मैं आपके जूते साफ कर दूं। नहीं। कपड़े प्रेस कर दूं। मिस्टर रशीद उर्फ शीदा साहब, ये जो चोंचले हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, बाहर ममालिक में ना लोग अपना काम खुद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेल्फ में। आप बताएं कैसे आना हुआ आपका? ओ ना जी, आप ना बहुत अच्छी हैं, तो आपसे बात करने का दिल कर रहा था। ओ अच्छा, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। और हमारे इमरान सर भी बहुत अच्छे हैं, वो गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं। लगता है आपका बड़ा ख्याल रखा हुआ उन्होंने। जी जी, 10-15 मिनट पहले उन्होंने मेरा ख्याल किया है। लग भी रहा है। तो वो ना मतलब अब बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, अब लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। और सीधी गल है, वो थाना बड़ा प्यार करते हैं, तुसी पता नहीं उन्हें करते हो कि नहीं। मिस्टर रशीद उर्फीदा साहब, अगर उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात पूछनी होती ना तो वो खुद ही पूछ लेते, पर मैं बहुत अच्छे से जवाब भी दे देती। इतनी सी उम्र में आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो कोई काम ही नहीं किया था इनाम का था। ये जितनी खूबसूरती से आपने झूठ बोला है ना, ये उसका इनाम है। वेरी नाइस, मुझे भी बहुत शौक है गिटार प्ले करने का, लाओ दिखाओ मुझे। ये है जी गिटार। अच्छा, मगर इसका फायदा उन्हीं लोगों को होता है जो इसे बजाना जानते हैं, वरना सिर्फ इसकी खूबसूरती से इंजॉय कर सकते हैं बस। अच्छा तंज ना करो, मैं सीख लूंगी बजाना ना। किससे? आपसे। और किससे?
आपने कौन सा ज्यादा अरसा यहाँ गुजारना है? दो चार दिनों में गिटार नहीं सीखा जाता। ऐसा हो सकता है कि ये गिटार मैं आपको गिफ्ट कर दूं और आप ये गिटार घर ले जाएं और बजाती रहें बजाती रहें, कभी तो आ ही जाएगा। अगर तो आप मुझे ये गिफ्ट करना चाहते हैं तो आज ही कर दें, ताकि मैं इसे अपना समझ के बजाऊं। इरफान, मैं आपसे कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी। ये जो आप काम सीख रहे हैं, कितने दिनों तक सीख जाएंगे? काम तो मैं कर ही लेता हूँ, मगर उस्ताद ने कहा है कि तुम अपने गिराज के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें भी दो चार साल लग सकते हैं, क्योंकि 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल है। इरफान, देखें, दोस्ती में एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। आपने मुझे गिटार गिफ्ट किया, मैंने ले लिया। अब अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहूँ तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको गिराज बना के देना चाहती हूँ। नहीं नहीं फातिमा, तुमने कह दिया मेरे लिए बहुत है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। तुमने मेरे गिफ्ट को बोझ कह के मुझे बहुत हर्ट किया है। और दूसरी बात ये इरफान कि तुम एक छोटे आदमी नहीं हो। जो इंसान किसी को धोखा नहीं देता, किसी से झूठ नहीं बोलता, मेरी नज़र में वो इंसान सबसे बड़ा है। और इसमें तुम्हारा नहीं मेरा भी फायदा है। जब तुम्हारा अपना बिजनेस होगा, अपनी गाड़ी होगी, तो कम से कम तुम मुझे एसी वाली गाड़ी में घुमाया करोगे। तुम्हारे जेब में पैसे होंगे तो तुम मुझे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिला सकोगे। हाँ, अगर मेरी जगह किसी और को गाड़ी में घुमाओगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ला दो ये गिटार मुझे, ये अब तुम मुझे गिफ्ट कर चुके हो, मांगने मत आना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डैडी, कैसे हैं आप? जी बेटा, वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ। आप खुश हो वहाँ पे? जी मैं बहुत खुश हूँ बाबा। खुश तो आप बहुत हैं, इसीलिए आपको बाबा की याद नहीं आई। फोन तो मैंने ही किया इसीलिए। कैसी बातें कह रहे हैं आप? ईद के एक हफ्ते बाद तुम्हारी फ्लाइट है, दिन बहुत कम रह गए हैं, तैयारी शुरू कर दो। डैडी, अब मैं वापस नहीं आऊंगी, अब आपको पाकिस्तान आना होगा। सुनाएंगे हम भाई अपने भाई साहब नहीं तनवीर साहब, उन्होंने फोन कर कर आज हमें अख्तियारात दे दिए। भाई ये जो फातिमा बेटी है वो आज से हमारी नहीं यानी तुम्हारी बेटी है, यानी हमारी। अब उसकी जिंदगी का फैसला भी हम दोनों ने मिलकर करना है कि हमने अपने किस बेटे से फातिमा की शादी करनी है। बताओ बेगम, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर लड़की किराया लेना भी बहुत जरूरी है। अरे सुभान अल्लाह, जिंदगी में फर्स्ट टाइम यानी ओनली वन टाइम अपने खूबसूरत होठों से कुछ अच्छी गुफ्तगू की है, वरना सारी जिंदगी तुमने चगले ही मारी है, झगड़ा किया है। हाँ जी भैया, वो मिठाई का बोला था क्या बना? मेरे अबू जी एक मिनट, आपको नहीं कह रहा भाई, आप फौरन से पहले भेजे, उसी एड्रेस पे भेजनी है भाई। हाँ हाँ ठीक है, मेरे एक मिनट अबू,
हाँ जी भाईजान, वो 50 ड्रेस का बोला था आपको, शलवार कमीज का। हाँ जी, हाँ जी बेटे, सिलाई हो गए? तो भाई फौरन से पहले पैसों की क्यों फिक्र कर रहे हो भाई, पैसे तुम्हें सारे मिल जाएंगे भाई। मैं नहीं दूंगा तो अबू दे देंगे, तो टेंशन वाली इसमें कोई बात ही नहीं है बेटे। हाँ हाँ, जल्दी से बेटे, उसी ड्रेस पर बेटे। अबू जी एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ जी यार, वो 50 मैंने तुम्हें खुशों का बोला था, वो कनारी वाले और नौकदार मुल्तान के मशहूर खुशे जितने भी है ना, हाँ वो कलर भी तुम्हें देकर गया था, सारे के सारे तैयार कर दो फौरन से पहले। पैसों की क्यों परवाह करते हो भाई, भाई मैं दे दूंगा, अगर कोई कम पड़ गए तो अबू से ले लेंगे, टेंशन कौन सी है, जल्दी भेज दो भेजो। जी तो क्या कह रहे थे अबू आप? 5 मिनट बेटे, मैं जरा कड़ियालो जी से हूँ। क्या हुआ अबू, इतने सारे पैसे कौन देगा बेटे? अबू जी आप ही देंगे, आपने हमें पैदा किए तो जाहिर सी बात है हमारे खर्चे भी आप ही उठाएंगे। मैंने नहीं, इसने पैदा किया था, मैंने इसको मना किया था, वो बात ये थी बेटे के वो जो भाई साहब है ना, उन्होंने फैसला कर दिया है कि फातिमा बेटी की शादी कौन से बेटे से करनी है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जाहिर सी बात है वो मुझसे ही शादी करेगी, और वो कौन सा वो मैकेनिक जो मिस्त्री है उससे शादी करेगी, मुझसे ही शादी करेगी। इसका फैसला तुम हर किसी नहीं कर सकते, जब तक लड़की नहीं बताएगी लड़की से पूछना। वो बिटिया आ भी गई। अम्मी, ये इसके साथ लंगूर क्यों हुआ? भाई है तुम्हारा भाई। हाय आप, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटी। अरे फातिमा बेटे, हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बल्कि आपकी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है बेटे? अंकल आप हमारे बुजुर्ग हैं, जो फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो भाई। बेटी फातिमा इस बात पे आमादा हुई भी शादी हमारे घर में ही होगी। फातिमा आप 5 मन मिठाई काफी है ना? बेशक 10 मन मंगवा लो, खुशी का मौका है। 10 मन भाई मुझे मिठाई में दफनाना है? जी अब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि भाई खुशी का मौका है ना, 10 मन भी हो जाएंगे तो मुबारक तो होनी चाहिए इस बात पर। फातिमा बेटी आपको भी बहुत मुबारक हो भाई, मेरा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। भाई आपस में आप मुबारक दिए जा रहे हैं भाई, जिसकी शादी है उसको तो मुबारक देना। अंकल शादी तो मैं आपके बेटे से ही करूंगी, लेकिन इमरान से नहीं, इरफान से करूंगी। अम्मी, अम्मी जी और तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या कमी थी मुझ में, क्यों इनकार किया तुमने? आखिर क्यों क्यों इनकार किया तुमने? वो इसलिए क्योंकि कोई भी झूठा और फ्रॉडिया शख्स मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सच्चा मुसलमान ही मेरा हस्बैंड होगा। इरफान के पास कुछ भी नहीं था, उसने मुझे सब सच बता दिया। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपके पास तो सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ, आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है। लो, वो गाड़ी वाले भी आ गए, सारा किस्सा कहानी सुन लिया हमने। इमरान साहब तो इंग्लैंड जा रही रहे, हमारे पैसे कौन लेगा? अरे भाई ऐसे पैसे भी देगा, इससे जबरदस्ती निकलवा। रुके, आपके जितने भी पैसे हैं मैं अदा कर दूंगी। मुझे से मारते में भी शर्म आ रही थी। तो आखिर मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपके जितने पैसे हैं वो मैं अदा कर दूंगी, मैंने आपको इनको मारने से नहीं रोका। अच्छा थैंक यू। तगड़ा।